तो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्मा फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3, जो कि क्या इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स है। उसका एक टॉपिक हमने देख लिया था हीमेटिनिक्स का, एक पार्ट हो चुका है जो फर्स्ट पार्ट में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम लोग देखेंगे उसका जो दूसरा टॉपिक है वो है एंटासिड। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, क्या है हमारा टॉपिक आज का, आज हम लोग इस वीडियो में इस पार्ट में देखेंगे एंटासिड। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग टेक्स्ट को देखेंगे फुल डिटेल में। तो एंटासिड क्या होता है, एंटासिड आप समझ सकते हैं एंटी एसिड। क्या है एंटासिड, मतलब एंटी एसिड। तो हमारी जो GIT है, GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी हमारे माउथ से लेके एनस तक, माउथ आ गया हमारा, उसमें एसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ये पूरा जो ट्रैक है, जो पूरा ये रास्ता है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक। और इसमें जो दवाएं दी जाती हैं, इसके अंदर जो काम करती हैं, उसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट, ठीक है। तो जो ये एंटासिड है वो भी क्या, एक तरीके का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट है, GIA गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। और इस पूरे ट्रैक को बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एंटासिड क्या होता है। तो जो हमारा ये GIT जो है, इसके अंदर क्या होता है, जब एसिड बढ़ जाता है, क्या है एसिड की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसकी वजह से जलन हो जाता है, गैस की प्रॉब्लम हो जाता है। मान लीजिए कहीं पे अल्सर है, अल्सर मतलब कहीं पे अंदर जो GIT इसके अंदर कहीं पे फुंसी है या कोई फोड़ा है या छाला पड़ गया या कट गया है, तो उसमें जब एसिड लगता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जलन होता है। तो उसको आराम दिलाने के लिए उसमें हम लोग क्या देते हैं, उसमें देते हैं एंटासिड यानी एंटी एसिड। ये जो एंटी एसिड होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं, जब ये एसिड के साथ मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, जो इसके अंदर हमको इरिटेशन है, जो जलन है, जो दर्द है, जो या गैस एसिड ज़्यादा होने की वजह से गैस की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो उसमें हमको क्या मिलता है, आराम मिल जाता है, तो वो होते हैं एंटासिड। तो चलिए देख लेते हैं एंटासिड। तो डेफिनेशन क्या है एंटासिड की, दी सब्सटेंसेज आर यूज टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इन आवर स्टोमक इज कॉल्ड एंटासिड। वो सब्सटेंसेज, सब्सटेंस का मतलब होता है वो चीज़ें, वो सामान, ठीक। यहाँ पे सब्सटेंसेज यहाँ तो हो जाएगी वो दवाएं, तो वो सब्सटेंसेज, वो चीज़ें, वो ड्रग्स जो कि यूज़ होती हैं हमारे स्टोमक के अंदर एसिड के अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, वो दवाएं, वो सब्सटेंसेज जो कि न्यूट्रलाइज कर देती हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड यानी एसिड की ज़्यादा मात्रा को हमारे स्टोमक के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं। अब उसके जो मान लीजिए कोई एंटासिड बना रहा है तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज को बोलते हैं, उसकी कुछ खासियत होनी चाहिए। तो वो कैसी होनी चाहिए, उनके अंदर क्या क्या मतलब प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्या क्या बातें उनके अंदर पाई जाने चाहिए, क्या खूबियां उनके अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्या है, इट शुड बी नॉन एब्जॉर्बेबल। ये ऐसा होना चाहिए जो नॉन एब्जॉर्बेबल हो, यानी हमारा जो हमारा मतलब GIT है उसको एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड में ना भेजे, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में नहीं पहुंचना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। दूसरा क्या, वरना पे वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाएगा वो। दूसरा क्या है, इट शुड नॉट कॉज कॉन्स्टिपेशन। और ये एंटासिड ऐसा होना चाहिए जो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट ना करे, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं कब्ज को, ठीक है। तीसरा क्या है, इट शुड एक्ट रैपिडली एंड गिव इफेक्ट फॉर लॉन्ग टाइम। ये कि ये जल्दी से क्या है, अपना इफेक्ट दिखाए। इट शुड एक्ट रैपिडली यानी मतलब जैसे हम लोग इसको ले रहे हैं एंटासिड, तो वो एकदम से अपना काम शुरू कर दे। और क्या है, एंड गिव इफेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक अपना क्या है काम करता रहे, यानी लंबे समय तक उसका असर रहना चाहिए। चौथा क्या है, इट शुड नॉट प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस ऑन रिएक्टिंग विद एसिड। ये कह रहे हैं कि जब ये बेसिक नेचर का होता है, जो भी एंटासिड होगा वो बेसिक नेचर का होगा, तो जब वो एसिड के साथ रिएक्शन करे तो बहुत ज़्यादा गैस रिलीज नहीं करना चाहिए, ऐसा हो एंटासिड। पांचवा क्या है, इट शुड नॉट इंटरफेयर विद फूड एब्जॉर्प्शन। और ये एंटासिड ऐसा होना चाहिए कि जो फूड के एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर ना करे, हस्तक्षेप ना करे उसमें,
कि मतलब ये कि हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे पेट के अंदर क्या स्टोमक के अंदर खाना भी है, तो वो इस क्या होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में वो क्या होता है एब्जॉर्ब होके उसके जो प्रोटीन है, जो भी एनर्जी है, जो कार्बोहाइड्रेट है, और क्या हम लोग खाते हैं यही तीन चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, विटामिन वगैरह तो आराम से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनकी दिक्कत नहीं होती है। तो जो भी चीज़ें हम लोग खा रहे हैं तो वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचना चाहिए, उसको ये रोके ना, ठीक है। सिक्स क्या है, इट शुड बी पैलेटेबल एंड इन एक्सपेंसिव, ये पैलेटेबल होना चाहिए और इन एक्सपेंसिव होना चाहिए। पैलेटेबल का मतलब ये होता है कि जो हम आराम से निगल सकें और उसको बहुत ज़्यादा कड़वा ना हो, अच्छा हो, जिसको हम खा सकें आराम से, और इन एक्सपेंसिव का मतलब होता है जो बहुत महंगा ना हो, इन एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, और इन एक्सपेंसिव का मतलब ये कि जो महंगा ना हो यानी आराम से इकोनॉमिकल हो, जिसको हर आदमी आराम से ख़रीद सकता हो। ये वाला जो क्वेश्चन है ये इसको ध्यान रखिएगा, ये इस 2021-22 का अभी जो एग्ज़ाम हुआ डिफार्मा फर्स्ट ईयर का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ एनेंटासिड। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, यानी जैसे कि आप समझ गए कि एंटासिड क्या होता है। अब ये कि एंटासिड के एग्जाम्पल्स क्या, मान लीजिए आप में आपको अगर कोई आके मांगे एंटासिड दीजिए तो आप क्या उसको देंगे, या आपको अगर एंटासिड खरीदना है तो आप क्या खरीदेंगे, तो ये है वो एग्जाम्पल्स। आप जाके दुकान पर मांग सकते हैं, मेडिकल स्टोर पर हमको ये दे दीजिए तो वो आपको दे देगा। तो क्या है पहला एग्जाम्पल इसका, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, क्या है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, मेगाल्ड्रेट। चौथा क्या है, ये हो गया चौथा है सोडियम बाइकार्बोनेट, और पांचवा है कैल्शियम कार्बोनेट। ये पांच एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको ज़रूर याद करिएगा, इसमें से हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, इसलिए इसका एग्जाम्पल आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसमें ऐसे पूछेगा कि एंटासिड के बारे में लिखिए और उसके एग्जाम्पल्स लिखिए, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम लोग ये जो पांच एग्जाम्पल्स हैं उसको डिटेल में पढ़ेंगे, जो हमारे मतलब सिलेबस में पूछा है उतना ही पढ़ेंगे, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन, ये बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, और 2021-22 के आप पेपर में देखेंगे जो एग्ज़ाम हुए उसमें एक भी क्वेश्चन इस टाइप का नहीं पूछा है। इसलिए अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तब उसको पढ़िएगा, अगर एक्स्ट्रा टाइम नहीं है तो आप उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। जो आपके मतलब अगर आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिए, लेकिन आपको जो आपके सिलेबस में है, जो आपको कहा गया है पढ़ने के लिए, पहले उसको पढ़िए, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल क्या होता है। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इट इज़ ए टाइप ऑफ एंटासिड, एक तरीके का एंटासिड है, एंड यूज टू न्यूट्रलाइज एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इन GIT, और GIT के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड को यानी एसिड की जो मात्रा ज़्यादा हो गई है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि एंटासिड बेसिक नेचर का होता है और एसिड के साथ जब मिलता है तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी न एसिड रहता है न बेसिक रहता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है वो। अब इसमें क्या है, हरेक में आपको तीन चार चीज़ें, जैसे कि आपने हिमेटिनिक्स में पढ़ा है ऐसे ही इसमें भी कुछ चीज़ें आपको पढ़नी है। तो उसमें क्या पढ़ना है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन और यूजेज, ये चार पांच चीज़ें आपको क्या है पढ़ना है हरेक में। अगर ये कहे कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के ऊपर एक नोट लिखिए तो आपको इतनी बात है तो ज़रूर लिखनी चाहिए। ऐसे ही एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन मैं बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ हल्के से, कि फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन का मतलब ये होता है कि जैसे दवाएं बनती है तो अलग अलग डोजेस फॉर्म में बनती हैं, कुछ होती हैं जो टेबलेट के फॉर्म होती हैं, कुछ कैप्सूल के फॉर्म में होती हैं, कुछ इंजेक्शन के फॉर्म में होती हैं, कुछ सॉल्यूशन होती हैं, कुछ सस्पेंशन होती है, अलग अलग टाइप की दवाएं बनती है। तो वही बताना आपको कि ये वाली जो दवा है यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है किस फॉर्म में बनती है, तो ये कौन कैसा बनता है, ये ओरल सस्पेंशन आता है इसका। सॉल्यूशन और सस्पेंशन में क्या फ़र्क है, मैं पहले बता चुका हूँ, सॉल्यूशन और सस्पेंशन में बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है कि जो सस्पेंशन होता है उसमें जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो अच्छे से घुले हुए नहीं रहते लिक्विड के अंदर, उस पार्टिकल्स दिख सकते हैं आँखों से, और जो सॉल्यूशन होता है वो अच्छे से उसके पार्टिकल्स घुले रहते हैं उसमें, ठीक है। अब मार्केट प्रिपरेशन यानी मार्केट में किस नाम से बिकता है, इसको पॉपुलर ब्रांड भी कह सकते हैं, तो उसमें क्या है अल्टरना जेल, पहला क्या अल्टरना जेल, दूसरा आता है एम्फो जेल, और तीसरा नेफ्रोक्स, ठीक है, इनमें से जो आपको याद हो सके याद कर लीजिए। और फिर इसमें स्टोरेज कंडीशन, ये स्टोरेज कंडीशन हो ये जो पहले हम लोगों ने हिमेटिनिक्स में पढ़ा है उसको चेंज नहीं करना है, थोड़ा बहुत जहाँ पे चेंजिंग रहेगी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इट शुड बी अवॉइड फ्रॉम फ्रीजिंग, ये है इसमें मेन पॉइंट कि जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है इसको फ्रीजिंग से बचाना है, इसको फ्रीज नहीं करना है यानी ठंडा टेम्परेचर इसका बहुत लो नहीं करना है, ऐसे जगह पर नहीं रखना है। दूसरा क्या है, इट शुड बी डिस्पेंस इन ब्लू एंड अम्बर कलर बॉटल, इसको क्या करना है
ब्लू और अंबर कलर बॉटल में पैक करना है, ठीक है। यानी जैसे दवाएं बनती है तो ब्लू और अंबर कलर, अलग अलग कलर की दवाएं शीशियाँ होती हैं, बॉटल्स होते हैं जिसको कंटेनर बोलते हैं हम लोग, तो हमको किस में पैक करना है, तो वो होगा ब्लू कलर या अंबर कलर। ब्लू तो जानते हैं आप, अंबर कलर कैसा होता है, तो अंबर कलर, अंबर जिसको आप समझ रहे ब्राउन टाइप का जो होता है, आपने देखा होगा सिरप आते ब्राउन ब्राउन कलर का जो होता है उसको बोलते हैं अंबर कलर, ठीक है। तीसरा क्या है, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर। इसको क्या करना है, अच्छे से जो कंटेनर बंद हो जाए, अच्छे से जो बॉटल बंद हो जाए उसके अंदर इसको स्टोर करना है। इट शुड बी स्टोर आउट ऑफ चिल्ड्रंस रीच, इट शुड बी स्टोर्ड आउट ऑफ चिल्ड्रंस रीच, यानी बच्चों की पहुँच से इसको दूर रखना है। और क्या करना है, इट शुड बी स्टोर इन वेल वेंटिलेटेड प्लेस, और ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर हवा का वेंटिलेशन बना हो, यानी हवा आती जाती रहती हो। अब हम लोग इसके यूजेस देख लेते हैं, यूजेस मैं बता चुका हूँ फिर भी एक बार देख लीजिए कि इट इज़ यूज टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक एसोफेगाइटिस। ये क्या होता है, पेप्टिक अल्सर को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। पेप्टिक अल्सर का मतलब ये होता है कि आपके पेट के अंदर यानी आपके स्टोमक के अंदर कहीं पे अल्सर हो गया है तो उसको, उसमें जलन हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए यूज़ होता है। अल्सर का मतलब होता है पेट में कहीं छाला पड़ गया आपके, और ऐसे ही पेप्टिक एसोफेगाइटिस का मतलब ये कि जो आपका एसोफेगस है, जो नीचे वाला एरिया है, उसमें अगर कहीं पर आपको अल्सर हो गया है तो उसमें भी इसको यूज़ करते हैं। तीसरा क्या, इट इज़ यूज टू ट्रीट गैस्ट्रिक हाइपर एक्टिविटी, और ये क्या होता है, गैस्ट्रिक हाइपर एक्टिविटी को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। यानी पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है आपके, आपके स्टोमक में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है तो उसको भी ठीक करने के लिए यूज़ होता है। तीसरा क्या, इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट स्किन, ये स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। यानी स्किन के ऊपर अगर लगाएंगे तो एस्ट्रिंजेंट की तरह काम करता है, यानी एक वहाँ पर लेयर बना देगा प्रोटीन की जो आपके मतलब स्किन को डैमेज करेगी कोई चीज ऊपर से। तो क्या है, एक्ट एज ए माइल्ड एस्ट्रिंजेंट, यानी हल्का एस्ट्रिंजेंट की तरह काम करता है, स्किन वगैरह पे इसको लगा सकते हैं तो ये सनलाइट से आपको प्रोटेक्शन देगा। चौथा क्या, इट इज यूज एज ए एंटासिड, ये एक कॉमन है जो आपको हर एक में लिखना है, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या है, कॉमन है जो आपके हर एक में, जितने भी मतलब एंटासिड है सब में ये लिखना है कि इट इज यूज एज एन एंटासिड, ये एंटासिड की तरह से क्या होता है, यूज होता है। अब दूसरा क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर की जो डेफिनेशन है वही सेम जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की थी, तो इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आप उसको देख समझ चुके हैं। दूसरा क्या, इसका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, तो इसका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में क्या होता है, च्यूएबल टेबलेट्स आते हैं, यानी ऐसे टेबलेट आते हैं जिसको हम लोग मुँह में रखे क्या करते हैं, चबा लेते हैं, चबा के खा लेते हैं, तो इस टाइप का इसका टेबलेट आता है। 311 mg का भी आता है और 400 mg का आता है। और क्या है, इसका सस्पेंशन आता है, यानी पीने के लिए ओरली हम इसको पी सकते हैं। मार्केट प्रिपरेशन में क्या है, तो इसका मार्केट प्रिपरेशन यानी पॉपुलर ब्रांड नेम तो किस नाम से आता है, तो सबको मालूम है, एक आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक पाउच की टाइप का आता है, पैकेट आता है, तो उसको पानी में डालते हो घोल के पी लेते हैं जब पेट में बहुत ज़्यादा लोगों को गैस बनता है, एसिडिटी होती है, तो वो किस नाम से आता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आप जानते हैं आप इसको अच्छे से। तीसरा क्या, स्टोरेज कंडीशन, तो इट शुड बी केप्ट इन ओरिजिनल कंटेनर, इसको ओरिजिनल कंटेनर यानी अच्छा क्वालिटी का जो कंटेनर उसके अंदर इसको क्या करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। दूसरा क्या, ह्यूमिडिटी एंड हीट शुड बी अवॉइडेड, और ह्यूमिडिटी से यानी नमी वाली जगहों से और हीट वाली जगह से इसको बचाना, यानी उसका टेम्परेचर नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल मतलब रूम टेम्परेचर जो होता है तकरीबन 25 से 30 के बीच में, उसी बीच में इसको रखना चाहिए। इट शुड बी स्टोर्ड, ये जो आपने अभी पढ़ा है वो ऊपर वही है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब इसके यूजेस क्या हैं, तो इट इज़ यूज एज एंटासिड, ये कॉमन है, आपको ये मालूम है कि ये एंटासिड की तरह यूज़ होता है। दूसरा क्या, इट इज़ यूज टू ट्रीट गैस्ट्रिक हाइपर एक्टिविटी, और पेट में आपके क्या है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है तो उसको ठीक करने के लिए यूज़ होता है, वही गैस्ट्रिक हाइपर एक्टिविटी, यानी पेट में एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है, पेट में क्या एकदम फूल सा गया तो उसको ठीक करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिए, नोट ऑन कंटिन्यूस एंड प्रोलोंग्ड यूज मे डेवलप किडनी स्टोन, ये कह रहे हैं अगर इसको लगातार आप यूज़ कर रहे हैं, कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं और लंबे समय तक आप उसको यूज़ करते रहते हैं तो क्या हो सकता है, आपको किडनी स्टोन हो सकता है, आपके किडनी के अंदर स्टोन हो सकता है, पत्थर यानी जिसको बोलते हैं पथरी हो सकती है, इसलिए इसको कम यूज़ करना। अब तीसरा क्या हमारा, मेगाल्ड्रेट, मेगाल्ड्रेट क्या है, ये भी एक तरीके का क्या है, एंटासिड है, ठीक है, विच इज़ यूज टू ट्रीट वेरियस कंडीशन इन GIT, और GIT के बहुत सारी अलग अलग कंडीशन से जो है मतलब एंटासिड वाली, जिसमें मतलब अलग अलग तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। GIT भी मैंने बताया,
तो मतलब एसिड की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उसको अलग अलग टाइप के उसको ठीक करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि एसोफेगाइटिस है, यानी एसोफेगस के अंदर अल्सर हो गया तो वहाँ पे दर्द हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, जलन हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए यूज़ होता है। ऐसे गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, आपके पेट के अंदर अल्सर हो गया, स्टोमक के अंदर अल्सर हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए भी यूज़ होता है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में इसका ओरल सस्पेंशन आता है, ठीक है, ओरल क्या आता है, सस्पेंशन आता है। और मार्केट प्रिपरेशन यानी पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है, रियोपेन, रियोपेन, ठीक। स्टोरेज कंडीशन जैसे ऊपर बताया अभी, सेम वही इसमें भी डाल दीजिएगा। यानी 3 पॉइंट है कि वेल क्लोज कंटेनर होना चाहिए इसका, बच्चों के पहुंच से इसको दूर रखना है। तीसरा क्या है, इसका वेल वेंटिलेशन होना चाहिए, यानी हवा का आना जाना बना रहना चाहिए। इसके यूजेस क्या है, इट इज यूज टू ट्रीट हाइपर फॉस्फेटमिया, हाइपरफॉस्फेटमिया को ठीक करने के लिए यूज होता है। यानी अगर फॉस्फेट बढ़ गया है हमारे क्या है बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर या इस GIT के अंदर, अगर फॉस्फेट की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, कम करने के लिए भी ये क्या होता है, यूज़ होता है। दूसरा क्या होता है, ये अगर मैग्नीशियम की डिफिशियंसी है तो उसको ठीक करने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है, मैग्नीशियम की कमी हो गई उसको ठीक करने के लिए यूज़ होता है। तीसरा किस लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड, यानी अगर आपके पेट के अंदर एसिडिटी है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ होता है। चौथा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत फेमस है जिसको आप जानते हैं बहुत पहले से। क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, जो आपके घरों में यूज़ होता है, दुकानों पे यूज़ होता है, पकौड़े बनाने के लिए उसमें डाल देते हैं तो पकौड़ा क्रिस्पी हो जाता है, बहुत एकदम अच्छे से देखते हैं, खोखला खोखला सा हो जाता है अंदर से, उसको बोलते हैं क्रिस्पी होना, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक तरीके का एंटासिड है, अगर इसका डेफिनेशन पूछे तो वही लिख देंगे, एक तरीके का एंटासिड है जो कि गैस्ट्रिक, जो मतलब हमारी GIT की एसिड की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करने के लिए यूज़ होता है, जैसा ऊपर आपने देखा। अब इसका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है, तो इंजेक्टेबल सोल्यूशन आता है, यानी इसका इंजेक्शन आता है लगाने के लिए, दूसरा इसके टेबलेट्स आते हैं। अब पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है, तो एक तो इसी नाम से आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से आता है, दूसरा आता है सेलीमिन के नाम से, किसके नाम से, सेलीमिन, और तीसरा क्या है, ब्रियोस्ची के नाम से इसके क्या है, मतलब दवाइयां आती है मार्केट में, बिकती हैं, पॉपुलर हैं। जो स्टोरेज कंडीशन जैसा ऊपर आपने देखा सेम ऐसे ही कर देना इसमें भी। यूजेस क्या है, इट इज़ यूज एज एंटासिड, ये याद रखिएगा, इसके यूजेस ज़्यादा हैं इसलिए पूछता है इसके यूजेस। तो ये क्या है, ये एंटासिड की तरह यूज़ होता है जो कॉमन है। दूसरा क्या, इट इज़ यूज इन एल्कलीनाइजेशन, ये किस में होता है, एल्कलीनाइजेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, ये जो हमारा यूरिनरी ट्रैक है, यूरिनरी ट्रैक का मतलब होता है जो हमारा यूरिन सिस्टम है, जहाँ से यूरिन वगैरह बनता है, जो उसका पूरा निकलने का जो रास्ता है वो है यूरिनरी ट्रैक। उसके अंदर अगर एसिडिटी हो गई है, जलन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसको एल्कलीनाइजेशन यानी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, बेसिक नेचर का करने के लिए यूज़ होता है। बेसिक उसमें जब मिलाएंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसी को बोलते हैं अल्कलीनाइजेशन, ठीक है। तो उसको अल्कलीनाइजेशन के लिए यूज़ होता है, यानी एसिड वहाँ पे है, जलन हो रहा है, तो उसको जब यहाँ पे ये वाला बेसिक उसमें पहुँचाएंगे, बेस है एक तरीके का, तो ये जब वहाँ जाता है तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अल्कलीनाइजेशन, ठीक। तीसरा क्या, इट इज़ यूज एज एंटीडोट फॉर एस्प्रिन ओवरडोज, एस्प्रिन एक दवा है जो बुखार के लिए या दर्द वगैरह के लिए यूज़ होता है, तो अगर किसी ने उसको ज़्यादा ले लिया है तो एक तरीके का क्या हो जाता है, टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो उसको ठीक, उसको बोलते हैं ओवरडोज हो गया, तो उस ओवरडोज की वजह से बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट दिखने लग जाते हैं, बहुत सारे मतलब जो आदमी नहीं चाहता वो भी इफेक्ट आने लग जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए जो दवा दी जाती है उसको बोलते हैं एंटीडोट। तो ये एक तरीके से क्या होता है, एंटीडोट की तरह यूज़ होता है, किसके लिए, एस्प्रिन के ओवरडोज में, ठीक है। ऐसे ही इट इज़ यूज टू ट्रीट हाइपरकलेमिया, हाइपरकलेमिया को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। हाइपरकलेमिया क्या है, हाइपरकलेमिया का मतलब होता है कि पोटाशियम अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा बढ़ गया है, क्या पोटाशियम आपकी बॉडी में ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो यूज़ होता है उसको बोलते हैं हाइपरकलेमिया। तो ये दवा एंटी हाइपरकलेमिया, ठीक है। तो हाइपरकलेमिया को ठीक करने के लिए भी क्या होता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ होता है। पांचवा क्या है, इट इज़ यूज टॉपिकली एज पेस्ट टू ट्रीट इंसेक्ट बाइट्स, कह रहे अगर कीड़े वगैरह ने काट लिया, बहुत सारे कीड़े होते हैं, जैसे एक ततैया होता है जो पीला पीला होता है, जब वो काटता है तो बहुत ज़्यादा फूल जाता है, ऐसे बहुत सारे कीड़े होते हैं, तो उसने अगर काटा है तो उसको भी ठीक करने के लिए क्या होता है, ये यूज़ होता है, उसके ऊपर लगाएंगे तो थोड़ा सा उससे आराम मिलेगा। चौथा छठा क्या है, इट इज़ यूज एज डेंटिफ्राइसिस, ये डेंटिफ्राइसिस में यूज़ होता है। डेंटिफ्राइसिस क्या है कि जो दंत मंजन बनते हैं या दांतों के पेस्ट बनते हैं उसमें जो चीज़ें डाली जाती हैं दांतों को साफ करने के लिए वो होती है डेंटिफ्राइसिस, तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी उसमें यूज़ होता है डेंटिफ्राइसिस की तरह। पांचवा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट,
तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या भी है, एक तरीके का एंटासिड है। इट इज़ यूज टू ट्रीट वेरियस टाइप ऑफ एसिडिक प्रॉब्लम। एसिडिक प्रॉब्लम जो बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं उसको ठीक करने के लिए यूज होता है। और इसको एक नाम भी दिया जाता है अलग, इसको क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेटेड चॉक, जिसको हम लोग चॉक बोलते हैं। आपने देखा होगा चॉक से ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है, तो वो जो चॉक होता है यही होता है, ठीक है। अब क्या है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, तो इसमें टेबलेट्स आते हैं और च्यूएबल आते हैं, यानी च्यूएबल टेबलेट्स आते हैं। एक तो नॉर्मल टेबलेट आते हैं और एक टेबलेट्स आते हैं जो चबा सकते हैं आप, उसको ऐसे ही मुंह बिना पानी के चबा के खा सकते हैं, ठीक है। मार्केट प्रिपरेशन यानी पॉपुलर ब्रांड नेम इसके क्या है, तो आता है टम्स, टम्स आता है, फिर आता है टम्स च्यूएबल के नाम से, ठीक है। ये अलग अलग नाम है, टम्स, टम्स च्यूएबल डिलाइट्स, टम्स एक्स्ट्रा, टम्स किड्स, ठीक है। और भी कई सारे आते हैं, टम्स फ्रेशर, इस टाइप के बहुत सारे आते हैं, तो इसका याद करना आपके लिए आसान है, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन जैसा ऊपर आपने देखा, सेम ऐसे ही इसका भी स्टोरेज कंडीशन कर दीजिए। और इसके यूजेस क्या है, इट इज़ यूज्ड एज एंटासिड, एंटासिड की तरह यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड टू एंड डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, ये कैल्शियम की डिफिशियंसी को ठीक करने के लिए, ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, यानी किसी के अंदर अगर कैल्शियम की कमी हो रही है तो उसकी हड्डियाँ क्या होती है, कमज़ोर हो जाती हैं। तो उसको ठीक करने के लिए भी, कैल्शियम की कमी को ठीक करने के लिए भी क्या देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट देते हैं, तो कैल्शियम मिल जाता है वहाँ से। और तीसरा क्या है, इट इज़ यूज्ड इन डेंटिफ्राइसिस, ये भी डेंटिफ्राइसिस में यूज़ होता है। डेंटिफ्राइसिस का मतलब बता चुका हूँ, यानी दवा जो डेंटिफ्राइसिस, यानी जो दांतों को साफ करने के लिए पेस्ट या पाउडर बनते हैं या माउथ वॉश बनते हैं, यानी मुंह में डाल के जो आदमी उसको कुल्ला कर लेता है, थूक देता है, जिसको कुल्ली करना बोलते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, ये यूज होता है, जिसको गार्गल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ चुके हैं, तो ये जो एंटासिड था ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे पीडीएफ इसका मिल जाएगा, ठीक है। और इसकी मैंने, आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की जहाँ तक बात है, तो इसको मैंने पिछले साल बहुत अच्छे से बच्चों की तैयारी कराई, बहुत अच्छे रिजल्ट आए उनके, आप उनके कमेंट्स से देख सकते हैं। तो उसको जाके जब एक से दो महीना बचे तो उसकी प्रिपरेशन वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे।